अगर वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। हेलो जी, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वेस्ट फैब्रिक से बनी हुई फैब्रिक बेल्ट्स, जो आपको ऑनलाइन बहुत महंगी मिलेंगी, लेकिन आप इन्हें इजीली अपने बचे खुचे फैब्रिक से घर पे बना सकते हैं। अगर आपको यूज़फुल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कौन सा आइडिया आपका फेवरेट रहा। सबसे पहले बेल्ट के लिए मैंने ये रेड कलर का फैब्रिक लिया है। इसको बेल्ट के रूप में फॉर्म करने के लिए डबल फोल्ड करके सिल लेंगे। छोटी वाली साइड से इसको सिलेंगे और एक लंबी वाली साइड इसकी सिल लेंगे। एक साइड से इसको खुला छोड़ देंगे, जिसकी वजह से हम इसे सीधा कर पाएं। सीधा करने के बाद ये ऐसी लगेगी। और मैंने जो ब्लाउज रीयूज प्रोजेक्ट दिखाया था आपको, उसमें से थोड़ा सा कढ़ाई वाला हिस्सा बचा था, इसको मैं इस पे सिल दूंगी ताकि ये एकदम सिंपल रेड नहीं रहे। और ऐसा ही मिलता जुलता बॉर्डर ब्लाउज पर भी है, तो ये एक मैचिंग हो जाएगी, बहुत अच्छी लगने वाली है ये बेल्ट। और ये सब लगाने के बाद ये देखिए इसका फाइनल लुक। इसमें आप काम जो है वो सारा ये ऊपर का सुई से ही कीजिए, क्योंकि मशीन से ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता और उतनी टाइडीनेस भी नहीं आती है। देखिए इससे साड़ी का बिल्कुल लुक चेंज हो गया, और ये पहले कैसी लग रही थी ये भी आप साइड में देख सकते हैं, और अब ये कैसी लग रही है ये भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल लुक चेंज हो गया इस बेल्ट की वजह से। दूसरे आइडिया के लिए आप सिंपली इस तरीके की एक चौड़ी स्टिफ लेस लीजिए, उसको साइड से दोनों साइड ट्रायंगल फॉर्म करिए, इसको सिल लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन है वैसे हाथ से ही सिलिए, ताकि बाहर पीछे की तरफ जो सीधी साइड है उधर से टांके ना दिखें। और ये ट्रायंगल फॉर्म करने के बाद दोनों साइड अच्छे से फिनिशिंग कर लीजिए, ताकि कोई धागा वागा नज़र ना आए। और फिर हम इसमें बांधने के लिए बना लेंगे इसके लिए मैचिंग कपड़ा लेके बेल्ट। ये कपड़ा कैसा भी हो सकता है, कॉटन सेटिन जो भी हो। तो जितनी भी चौड़ी आपको बेल्ट पसंद है उस हिसाब से चौड़ाई लेके आप कपड़े का लेके उसको एक सिलाई मारिए और सीधा कर लीजिए। तो इस तरीके की बेल्ट फॉर्म हो जाएगी। इसको आप दो इक्वल पार्ट्स में काट के और दोनों साइड बेल्ट के सिंपली ऐसे रख के आप सुई से स्टिच कर दीजिए, और बेल्ट के किनारे पे आप कोई भी लटकन लगा दीजिए। और इतना ही इजी है, एक सिंपल सी लेस से आप एक सुंदर सी एथनिक बेल्ट। अब जितनी आपकी लेस हैवी होगी उतनी ही आपकी बेल्ट भी हैवी लगेगी, और ये बहुत सारे आउटफिट पर आपके चली जाएगी। तो आप अपने आउटफिट के हिसाब से कलर ले सकते हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग आउटफिट्स हैं उनका भी आइडिया ये अच्छा है उनका लुक चेंज करने के लिए। तो ये मैंने रफली ऐसे ही बांध ली है इसके ऊपर ही, आप इसको प्रॉपर कमर वमर पे ढंग से बांध के और अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं। तीसरे के लिए ये मेरे ब्लाउज़ पीस का बचा हुआ एक कपड़ा था, ब्लाउज़ बनने के बाद जो बच गया था। ये बहुत ही मुलायम कपड़ा है शिफॉन का, ये मैंने अपनी साड़ी रीयूज प्रोजेक्ट में दिखाई थी आपको, ये साड़ी वो बचा हुआ पीस है। तो इसको मैंने थ्री फोल्ड में बनाने का डिसाइड किया है, ताकि थोड़ी सी स्टिफनेस रहे, बहुत ही नाजुक और सॉफ्ट कपड़ा है ये। तो थ्री फोल्ड में करके मैंने इसको कट कर लिया। अब इसको सिलना कैसे है, बस ये ध्यान देखिए, जिगजैग प्लीट्स बना के तब मैं इसको सिलूंगी, डायरेक्ट फोल्ड मत करिए। तो जब आप सीधा करेंगे तो ये एक हिस्सा बीच में चला जाएगा और दोनों साइड से फिनिशिंग आ जाएगी। अब ये जिगजैग करके तीनों लेयर्स को मैं सिल लूंगी, लंबी वाली साइड से और एक चौड़ाई वाली साइड से, और दूसरी साइड जो बचेगी खुली हुई उससे हम इसको पहले रेड वाली बेल्ट की तरह इसको सीधा कर लेंगे। तो ये जो बीच में हमने तीसरी लेयर लगाई है ना, इस तरह सिलने से जिगजैग वाले से ये अंदर चली जाएगी, बाहर कुछ नहीं दिखेगा। अगर आप चाहें तो इसमें बुकरम वगैरह भी लगा सकते हैं, उससे भी स्टिफनेस आ जाएगी। आपकी बेल्ट जितनी स्टिफ होगी वो उतने ही ज़्यादा परफेक्ट लुक देगी। तो ये सीधी मैंने कर ली है। अब ये कपड़ा इतना सुंदर है कि इसमें कोई एम्बेलिशमेंट की ज़रूरत मुझे नहीं लग रही। मैं सिंपल इसमें पट्टियाँ जोड़ूंगी और उसके लिए भी इसी का बचा हुआ कपड़ा इस्तेमाल करूंगी। अगेन इसको थोड़ा सा स्टिफ लुक देने के लिए सारा ही कपड़ा मैं इसके अंदर फोल्ड कर दूंगी, ताकि थोड़ी सी मोटी डोरी बन जाए। और इसको इस तरीके से मैं नाड़े की तरह सिल लूंगी, इसको सीधा करने का मैंने नहीं सोचा है। इसके लिए फिनिशिंग आए आप इस तरीके से फोल्ड कीजिए ऐसे, और साइड में सिलाई लगा लीजिए, तो इससे आपकी एकदम नीट डोरी बनेगी, वो दिखती हुई सिलाई भी अच्छी लगेगी, बुरी नहीं लगेगी। तो इसको अब हम सिल लेंगे, और सिलने के बाद इसको अगेन दो इक्वल पार्ट्स में कट कर लेंगे। और क्योंकि मैंने उसमें एम्बेलिशमेंट कुछ नहीं लगाया है सजावट के लिए सामने की तरफ, तो मैंने इसमें सोचा है कि मैं इसमें नीचे की साइड लटकन कुछ डिज़ाइन वाली बना दूंगी। फिलहाल हम इसको इसमें इस तरीके से जोड़ देंगे, ठीक है। और लटकन बनाने के लिए मैं इसमें स्क्वायर कुशन वाली जो गद्दियाँ की तरीके से जो बनती है
वो वाली मैंने सोची है। तो उसके लिए मैंने ये जो बॉर्डर मेरा थोड़ा सा बच गया था इसमें से पीस काट लेंगे, ये मैं रेक्टेंगल सा ही काट रही हूँ ताकि सिलाई में अच्छे से चला जाए, बाकी जो बनेगी लटकन वो स्क्वायर शेप में ही नज़र आएगी। तो आप स्क्वायर में भी काट सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने मार्जिन ज़्यादा लेने के लिए इस तरीके से काटा है। अब इसको अगेन 3 साइड से सिल लेंगे और एक साइड से खुला रखेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब इसमें जो भरने के लिए फिलिंग चाहिए वो भी मैंने जो इसके बचे हुए कपड़े की ये जो टुकड़े बचे हुए हैं इसको मैं कैंची से बारीक बारीक काट लूँगी, और ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट सी स्टफिंग इसके अंदर भर जाएगी और ये कपड़ा भी फेंका नहीं जाएगा, यूज़ हो जाएगा। तो इसके मैं काट के छोटे छोटे ऐसे पीस तैयार कर लूँगी, और जब तक मुझे ये ना लगे कि इसमें भरने के लिए काफ़ी हो गए हैं। और अब इसको इसमें जो हमारा ये पाउच सा बन गया है इसके अंदर ये सारा फैब्रिक भर के, और क्योंकि जो फिनिश्ड वाली किनारी होती है वो मैंने खुली छोड़ी है, तो इसमें हम ना भी मोड़ें ऐसे ही सीधे किनारे पे बारीक बारीक सुई से टांके लेते हुए इसको मैं बंद कर दूंगी। देखिए इस तरीके से, इसमें मुझे मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और छोटे छोटे स्टिचेस लेके सफाई से इसे बंद कर देंगे तो ये ऐसे भी अच्छी लगेगी। इसे बंद करने के बाद आपकी ये जो कुशन वाली लटकन है बड़ी सुंदर लगेंगी। ये इस तरीके से तैयार हो गई। इसको हम अपनी पहले डोरी में अटैच करेंगे सुई से ही, और जब ये डोरी में स्टिच हो जाएगी अच्छे से, ये आपकी डोरी तैयार हो गई, तो फिर इस डोरी को बेल्ट में जोड़ देंगे। मेस के लिए गाइस थोड़ा माफ़ कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग एक ही कमरे में सब लोग हैं तो बहुत ज़्यादा सामान इसमें भरा हुआ है। तो ये देखिए ये पुराना मेरा लहंगा चोली है और इसका लुक इस तरीके से इसे चेंज हो गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद